नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ से अब हमारे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तो हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, उसको सोचेंगे और सोच के पहले इक्वेशन बनाएंगे। अभी तक क्या होता था कि इक्वेशन दिए जाते थे और उसको सॉल्व करना होता था, अब हमको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए 5th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी इज ₹183। मान लो मैं दुकान जाता हूँ या आप दुकान जाते हैं, दुकान में जाकर के आपने 15 किलो चाय खरीदा, चाय पत्ती 15 kg टी और 17 kg कॉफ़ी, 17 किलो आपने कॉफ़ी लिया, 15 किलो आपने चाय पत्ती लिया, तो दुकानदार ने दोनों का मिला के टोटल बिल कितना बनाया, ₹183, दोनों की कीमत पड़ी मिला के, 15 किलो चाय 17 किलो कॉफ़ी दोनों मिला के कितने का पड़ा, ₹183 का पड़ा। ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा है, एंड द कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफ़ी इज 213। लेकिन अगर मैं 25 किलो चाय पत्ती और 13 किलो कॉफ़ी ख़रीदता हूँ तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता है, टोटल ₹213। फिर से सुनिए, अगर मैं चाय पत्ती 15 किलो रखूँ और कॉफ़ी 17 किलो लूँ, 15 किलो चाय 17 किलो कॉफ़ी, 15 किलो चाय 17 किलो कॉफ़ी, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता है, ₹183। लेकिन अगर मैं 25 किलो चाय, 15 किलो चाय के बजाय 25 किलो चाय और 17 किलो कॉफ़ी के बजाय 13 किलो कॉफ़ी, 15 किलो चाय पत्ती 13 किलो कॉफ़ी लूँ, तो मुझे कितना देना पड़ता है, ₹213। ठीक, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफ़ी। तो अगर मैं 7 किलो चाय पत्ती और 1 किलो कॉफ़ी खरीदूँ तो मुझे इन दोनों का कितना देना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमको दो चीज़ें बताई जा रही हैं, एक है टी एक है कॉफ़ी। तो हमको यहाँ पर कीमत बताई जा रही है कि आप 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफ़ी लेते हैं तो आपको कीमत ₹183 अदा करनी पड़ती है। तो हमको पहले ये सोचना चाहिए कि 1 किलो टी कितने का आता होगा और 1 किलो कॉफ़ी कितने का आता होगा। 1 की कीमत आपको सोचनी है, 1 की, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 1 किलो, सॉल्व करते हैं। चलिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg टी बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफ़ी बी ₹Y। मान लेते हैं कि 1 किलो चाय की कीमत कितनी है, ₹X, और 1 किलो कॉफ़ी की कीमत कितनी है, ₹Y। अब थोड़ा सा सोचो ना, पहले केस में क्या हो रहा है कि आप चाय कितना ले रहे हो, 15 किलो, और कॉफ़ी कितना ले रहे हो, 17 किलो, और दोनों को मिला के कितना पैसा दे रहे हो, ₹183। तो ज़रा सोचो, 1 किलो चाय की कीमत है ₹X, तो 2 किलो चाय की कीमत कितनी होगी, ₹2। ये समझ में आ रहा है। 3 किलो की कीमत कितनी होगी, ₹3। इसको ऐसे सोचो, मान लो 1 किलो चाय की कीमत है ₹10, तो 2 किलो की कितनी होगी, ₹2×₹10 यानी 20 आ गया। 3 किलो की कीमत कितनी होगी, ₹3×₹10 यानी ₹30। 4 किलो की कीमत कितनी होगी, ₹4×₹10 यानी ₹40। इसी तरह से अगर 1 किलो चाय की कीमत ₹X है तो 2 किलो की कीमत कितनी होगी, ₹2। 3 किलो की कीमत ₹3, 4 किलो की कीमत ₹4, तो 17 किलो की कीमत कितनी, ₹17, या 15 किलो की कीमत कितनी, ₹15। ये समझ आया। तो हम 15 किलो चाय ले रहे हैं तो सिर्फ चाय का पैसा कितना बन गया, ₹15। क्यों, क्योंकि 1 केजी की कीमत ₹X है, तो 15 केजी की कीमत कितनी होगी, ₹15। तो चाय की कीमत समझ में आई, ₹15। इसी तरह 1 किलो कॉफ़ी की कीमत है ₹Y, तो 17 किलो कॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, ₹17, और दोनों मिला के हम कितना दे रहे हैं, ₹183। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगाना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 15 किलो चाय, 1 किलो की कीमत ₹X, तो 15 किलो की कीमत यहाँ पे लिख रहा हूँ ना इधर से, ₹15। 1 किलो कॉफ़ी की कीमत ₹Y, तो 17 किलो कॉफ़ी की कीमत ₹17, और दोनों रुपया मिला के हमने कितना दिया है, ₹183। बुक में एक बार मैच कर लो, 15 किलो 17 किलो ₹183, ठीक है। अगला, 25 किलो
और 13 किलो, ठीक है, सेम टू सेम। अगर मैं 25 किलो चाय पत्ती लेता हूँ तो उसकी कीमत कितनी होगी, 25x। ये दूसरा सिचुएशन से बना रहा हूँ। और कॉफ़ी कितना ले रहे हैं हम, 13 किलो, तो 13 किलो की कीमत 13y। और अब कितना दे रहे हैं दोनों का मिला के, 213 रुपया। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें को सोचना है कि हम इसको किस मेथड से बनाएंगे। हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। ये हो गया इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन टू, किस मेथड से बनाएं? तो हम इसको ऐसा करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बना लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए सोचेंगे कि हमको एक्स डिलीट करना है कि वाई डिलीट करना है। तो पहले तो हमको यही सोचना है। तो चलो हम लोग सोच लेते हैं किसको डिलीट करें, ठीक है, किसको डिलीट करें। ओके, 15 मैं चाहता हूं कि x का कोफिशियंट सेम हो जाए। ध्यान से सुनना, x का कोफिशियंट अगर सेम करना है तो क्या करना होगा, 45 नहीं, x का कोफिशियंट अगर मुझे सेम करना है तो क्या करना होगा, ठीक है, मुझे x का कोफिशियंट सेम करना है। नंबर थोड़े से बड़े हैं, कोई बात नहीं, हम चाहें तो इसको एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो एलिमिनेशन से ही बनाते हैं ना। देखिएगा, बाय एलिमिनेशन मेथड मैं x को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि x के कोफिशियंट सेम बन जाए। बहुत बड़े बड़े नंबर हमको नहीं बनाना है। देखो, कोई एक ऐसा नंबर सोच लेते हैं जो 15 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में भी आता है। कौन सा नंबर है वो, 75। 15 5 जा 75 और 25 3 जा 75, तो ये भी 75 बन सकता है, ये भी 75 बन सकता है। हमारा टारगेट है कि दोनों का कोफिशियंट सेम हो जाए। तो इसको 75 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और इसको 75 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो हम पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1 ये, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 75। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 75 जा 35 और 51 जा 5 और 38, 85 वाई। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 53 जा 15 और 85 जा 40 और 141, 51 जा 5 और ये 9, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था, 3 से। तो इसको मैं लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन, 25x प्लस 13y 213, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से। तो ये कितना बन गया, देखो ये तो बन जाएगा 75x, ठीक, प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 33 जा 9, 31 जा 3, 39y। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 33 जा 9, 31 जा 3, 32 जा 6, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। तो मुझे इक्वेशन 3 मिल गया, इक्वेशन 4 मिल गया, और देखो x का कोफिशियंट सेम हो गया कि नहीं। अब हमको क्या करना है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो घटाना है, साइन चेंज करना है, तो हम माइनस करेंगे, ठीक, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तीसरे से चौथे को घटा रहा हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ 75x प्लस 85y इज इक्वल टू 915। उसके बाद मैं लिखता हूँ फोर्थ इक्वेशन, 75x प्लस 39y इज इक्वल टू 639, और इसको हम घटाने वाले हैं। आपको पता है घटाएंगे तो साइन सबके बदल जाएंगे, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 75 प्लस में, 75 माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया। 85 प्लस में, 39 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 85 में 39 घटा रहे हैं, इससे ये एक कैरी लेकर के 15 हो गया, 15 में से 9 गया 6
और सात में से तीन गया चार, साइन बड़े वाले का पॉजिटिव। ये कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6 और ये बच गया 90, हाँ 0। तो एक लेके 10 हुआ, दिस इज 7 और 8 में से 6 गया 2, 2 7 6। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 276/46। 46 के टेबल में ये आता है कि नहीं, थोड़ा सा आप इसको डिवाइड करके देखिए, मेरा ख्याल है कट जाएगा 6 टाइम, ठीक है 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 276 को 46 से 6 टाइम कैंसिल हो जाना चाहिए। तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर 6 मिल गई। y की वैल्यू उठा करके कहीं रख दो, x आ जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज 15x प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय y है, तो y की वैल्यू मैं 6 रख दे रहा हूँ, 183। दिस इज 15x इज इक्वल टू 183 माइनस, इसका सॉल्यूशन उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 10, और x इज इक्वल टू 10, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 0 गया 8 और नीचे 15, ठीक है 3 में से 2 गया 1, हाँ ठीक 15। लेकिन फिर ये कैंसिल नहीं होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, शायद मैं रखने में मिस्टेक कर रहा हूँ, या ठीक है करेक्ट आया है, मिस्टेक नहीं किया है मैंने, ये देखते हैं कैंसिल जिससे होता है उसको कैंसिल करते हैं, अदरवाइज ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे। देखो तो 3 2 जा 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, दिस इज 27/5, ये x की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 kg tea एंड 1 kg coffee, ठीक है 7 kg tea और 1 kg coffee। सो व्हाट इज द कॉस्ट, 7 kg tea 1 kg coffee। तो थोड़ा सा सोचो, 7 kg tea की कीमत कितनी होगी, 1 kg tea की कीमत कितनी थी x, तो 7 kg tea की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x, ठीक है। चलो आंसर निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 7 kg tea एंड 1 kg coffee, देखो तो कितना आएगा, 7 kg tea, 1 kg की कीमत है x, तो 7 kg tea की कीमत 7x, 1 kg coffee की कीमत है y और 1 kg की कीमत पूछ रहा है ये। x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास है, x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट कर रहे हैं, दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय x, और x की वैल्यू कितनी थी 27/5, y की वैल्यू थी 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18/5 प्लस 6, एलसीएम आएगा हमारा 5, दिस इज 189 प्लस 6 5 30, सो दिस इज 9, 8 और 3 11 और ये 2 डिवाइडेड बाय 5, 219 डिवाइडेड बाय 5, इतना रुपया, दिस इज इन रुपीज़। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, देखो 5 4 जा 20, 1 बचा 19 हो गया, 5 3 जा 15, तो 19 में अगर 15 माइनस करें तो कितना बचेगा, 4, डेसिमल लगाएंगे तो हो जाएगा 40 और 5 8 जा 40, इतना आएगा 43.8 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 7 kg tea और 1 kg coffee की टोटल कीमत कितनी देनी पड़ेगी, 43.80 रुपया, ठीक है। बुक में आंसर मैच कर लीजिए, अगर इतना आता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं हमने मिस्टेक किया होगा। चलो ठीक है, आप चाहो तो वहाँ पर एक ज़ीरो लगा सकते हो लास्ट में, 80 पैसा है ये, इसके बाद ज़ीरो भी लगा सकते हैं, दिस इज़ अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और हमारा क्वेश्चन है ए पर्सन ओन सम पिजन्स एंड काउ। ये सेम एक क्वेश्चन आ गया जैसा हमने एग्ज़ाम्पल में एक क्वेश्चन बनाया था, इसी के एग्ज़ाम्पल नंबर 9 से जो हम स्टार्ट कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ,
एग्जाम्पल नंबर 9 ही था, देयर आर सम रैबिट्स एंड सम बर्ड्स, याद आया केव वाला एग्जाम्पल? अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पीछे का लेक्चर एग्जाम्पल वाले जरूर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। सेम उसी का रिपीटिशन है ये क्वेश्चन, अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 9, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ जाएगा। आप इसको बिना मेरी वीडियो देखे, बिना मेरे हेल्प के आप अपने आप बना लेंगे, ठीक है? तो मैं इसको शुरू करता हूँ, अगर आपसे बनता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए, आंसर निकालिए, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके अपना चेक कर लीजिए, अपना रिवाइज कर लीजिए कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ए पर्सन ओन सम पिजन्स एंड काउस, एक आदमी के पास कुछ कबूतर हैं और कुछ गाय हैं, काऊ, ठीक है? कितने कबूतर हैं, कितने गाय हैं ये हमको नहीं मालूम है, ठीक, लेकिन कुछ कुछ हैं। ओके, सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन समझिएगा, द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल्स इज 180। अगर मैं एक जगह पर कबूतर भी खड़े कर दूं और गाय को भी खड़े कर दूं, बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे गाय, कितने हैं ये गिनती नहीं पता, लेकिन अगर बहुत सारे कबूतर और बहुत सारे गाय एक लोकेशन पर खड़े हैं और मैं सिर्फ उनके पैर गिनूं, लेग्स, तो मुझे कितने पैर गिनती गिनने में आते हैं? 180। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, पिजन यानी कबूतर, कबूतर के कितने पाँव होते हैं? 2, ठीक है? और काऊ, काऊ के कितने पाँव होते हैं? 4। फिर से, एक काऊ है तो उसके पैर कितने गिने जाएंगे? 4। 2 काऊ तो पैर कितने हो जाएंगे? 8। 3 काऊ तो पैर कितने हो जाएंगे? 12। फिर से, एक काऊ तो पैर कितने? 1 × 4, एक काऊ और एक काऊ के 4 पैर, 1 × 4, 4। 2 काऊ 2 × 4 यानी 8 पैर। 3 काऊ 3 × 4 यानी 12 पैर। ये समझ में आया? ओके, हम काऊ और पिजन की गिनती कुछ मान लेंगे। और पिजन के पैर कितने होते हैं? एक कबूतर के 2 पैर, तो 1 pigeon 1 × 2 leg, ठीक है? 2 पिजन के कितने लेग हो जाएंगे? 2 × 2 यानी 4। 3 पिजन के कितने हो जाएंगे? 3 × 2 यानी 6। 4 पिजन के 4 × 2 यानी 8। इस तरह से बढ़ते जाएगा। ओके, अगली सिचुएशन हम लेते हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ आईज इज 120। अभी हम पाँव गिन रहे थे ना, अब हम क्या करते हैं, दूसरी सिचुएशन क्या बोलता है क्वेश्चन, कि एक ही जगह पर बहुत सारे काऊ और बहुत सारे पिजन हैं, अगर हम उनकी आँख गिने, आईस, आँख, तो हम टोटल आई कितनी गिनते हैं? 120। अब ये बताइए, उसमें पिजन की भी आँख हमने काउंट कर ली और काऊ की भी आँख हमने काउंट कर ली, एक पिजन के कितने आँख होते हैं? 2। और एक काऊ के भी कितने आँख होते हैं? 2। तो एक काऊ 2 आँख, 2 काऊ 2 × 2 4 आँख, 3 काऊ 3 × 2 6 आई, 4 काऊ 4 गाय 4 × 2 8 आँख। इसी तरह से पिजन का भी चलेगा क्योंकि उसके भी 2 आँख होते हैं। ये सिचुएशन आप समझ रहे हैं, मैं इसको एक बार और दोहराऊंगा जब मैं लिखूंगा बोर्ड में। ओके, अब हमारी क्वेश्चन वाली लाइन आ रही है, उसको सुनिए, हाउ मेनी काउस एंड पिजन्स डज द पर्सन ओन, तो बताइए उस आदमी के पास कितनी काऊ और कितने कबूतर हैं, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर सिचुएशन हम 1 by 1 फिर से डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका, तरीका ये है कि क्वेश्चन वाली लाइन पहले ढूंढिए, जैसे ही क्वेश्चन वाली लाइन आपको मिल जाए, वहाँ पर कुछ पूछेगा कि ये कितना है वो कितना है, उसी को कुछ मान लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस आदमी के पास कितने काऊ हैं और कितने पिजन हैं, तो हम मान लेते हैं एक्स काऊ होंगे, वाई पिजन होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल हमको इन्वॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नंबर ऑफ काउस बी, मान लेते हैं कितनी गाय हैं उसके पास, एक्स, एंड नंबर ऑफ पिजन्स बी, वाई। हम मान लेते हैं कि काऊ कितनी है, एक्स, और कबूतर कितने हैं, वाई, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट गिनती आ गई, एक्स काऊ और वाई पिजन, यहाँ तक समझ आ गया? अब हम लोग सिचुएशन में आते हैं, केस नंबर 1 देखिए ना, केस नंबर 1, यहाँ पर हमको क्या काउंट करना है, लेग काउंट कर लेते हैं पहले, या आई का बना लेते हैं पहले, किसी को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हम आई काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग फॉर आईज, ठीक, आँख की गिनती अपन करते हैं, काउंटिंग फॉर आईज, ठीक है? अब इसमें देखना ना, एक काऊ कितने आँख होते हैं, 2 आँख,
ठीक है। एक पिजन, एक कबूतर की भी कितने आँख होते हैं? दो आँख, ठीक है। अब इसको समझते जाना ना, यहीं से मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। एक गाय के दो आँख और एक कबूतर के भी दो आँख। अगर एक गाय के दो आँख हैं तो दो गाय के कितने आँख होंगे? टू इंटू टू। तीन गाय के कितने आँख होंगे? थ्री इंटू टू, क्योंकि एक के दो आँख तो तीन के कितने होंगे? थ्री इंटू टू, सिक्स आँख, ठीक है। चार गाय के कितने आँख होंगे? फोर इंटू टू, आठ आँख। तो x गाय के कितनी आँख होंगी? x इंटू टू यानी 2x, x इंटू टू बोलो या 2 इंटू एक्स बोलो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आईज हम काउंट करते हैं। तो अगर हम गाय की बात करें, जितनी गाय हैं, कितने गाय हैं? x। तो अगर x गाय हैं और एक गाय के दो आँख होते हैं तो x गाय की कितनी आँख होंगी? 2 इंटू एक्स। तो गाय के लिए हमने आँख काउंट किया तो ये कितना आया? 2x। x गाय तो आँख कितने होंगे? डबल, ठीक है। इसी तरह से वाई पिजन है, एक पिजन के दो आँख, तो दो पिजन के 2 इंटू टू आँख, तीन पिजन के 3 इंटू टू आँख और पांच पिजन के 5 इंटू टू आँख, ठीक है। इसी तरह वाई पिजन के वाई इंटू टू यानी 2y आँख, 2y। और हमने क्या देखा, सबको खड़े करके हमने पिजन को भी खड़ा किया, काऊ को भी खड़ा किया और हमने टोटल नंबर ऑफ आईज काउंट किया, तो कितने आँख गिने थे हमने? 120। तो अगर मैं दोनों के आँख मिला के गिनूँ तो ये कितना बन जाता है? 120। ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, इसको और छोटा कर सकते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन निकल के कट जाएगा या सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसको 2 से डिवाइड किए तो ये x बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये y बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 बचेगा और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये पहली केस से पहला इक्वेशन आ गया। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। और सेकंड केस हमारा क्या काउंट करने का था? लेग, काउंटिंग फॉर लेग्स। ये फिर से देखो, एक गाय के कितने पैर होते हैं? 4। और एक पिजन के कितने? 2 लेग्स। यहाँ तक समझे? अब देखो हम सिचुएशन से क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमने टोटल कितने लेग गिने? 180। क्वेश्चन देख लो, 180 पैर हमने टोटल काउंट किए, ठीक है। अब देखो, एक गाय के अगर 4 पैर होते हैं तो दो गाय के कितने होंगे? 2 इंटू 4। तीन गाय के 3 इंटू 4। चार गाय के 4 इंटू 4। पाँच गाय के 5 इंटू 4। एक्स गाय के एक्स इंटू 4 यानी 4x। तो हमने टोटल नंबर ऑफ लेग गिने तो ये कितना बना गाय के लिए? 4x। एक गाय के 4 लेग तो एक्स गाय के कितने? 4 इंटू x लेग, 4x लेग्स, ठीक है। इसी तरह एक पिजन के अगर 2 लेग हैं, 2 पैर, तो 2 पिजन के 2 इंटू 2 लेग्स, 3 पिजन के 3 इंटू 2 और वाई पिजन के वाई इंटू 2 यानी 2y। और हम दोनों के लेग्स काउंट करके कितना गिनते थे? 180, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। यहाँ पर देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सब 2 से डिवाइड होते हैं, तो चाहो तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, चाहो तो दोनों तरफ से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करा दो, ठीक है। तो हम सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा? 2x। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा? 1y। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा? 90। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। दो इक्वेशन हो गए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y निकल आएगा, और x और y ही तो निकालना है, कितने काऊ थे, कितने पिजन थे। अब हम मेथड जानते हैं, हम तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा? देखिए, दिस इज y, दिस इज y, y का कोफिशियंट 1, y का कोफिशियंट 1, कौन सा मेथड लगेगा? सेम कोफिशियंट कैंसिल करा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड से बना देते हैं, ठीक। देखिए, बाय एलिमिनेशन मेथड, दोनों को क्या करना होगा? देखो, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, साइन चेंज करेंगे तब तो कटेंगे, सेम कोफिशिएंट तो पहले से है, तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ हमको कैंसिल कराना है,
कैंसिल कराने के लिए साइन उल्टा होना चाहिए, एक का प्लस एक का माइनस। यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में है तो एक को माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दो, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटा दो, या यहाँ पर 90 दिख रहा है, ये 60, ये बड़ा है ये छोटा, तो हम ऐसा कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को घटा लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। चलिए पहले मैं लिखता हूँ दूसरा इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब इसमें मुझे माइनस करना है पहला इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, और हम क्या करने जा रहे हैं माइनस, तो सबका साइन बदलेगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो दो एक्स में से एक एक्स चला गया, तो कितना बचा एक एक्स, वन एक्स, और इस पर साइन किसका रहेगा, जो बड़े वाले का साइन था वो साइन यहाँ आ जाएगा। ओके, दिस इज प्लस वाई, माइनस वाई कैंसल, खत्म, प्लस माइनस माइनस, तो 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 30, ये, और यही तो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 30, और x क्या है नंबर ऑफ काउस, तो कितने काऊ हैं उसके पास, उस आदमी के पास 30। अब इस x की वैल्यू उठा के तुम चाहे तो इक्वेशन 2 में रखो, इक्वेशन 1 में रखो, y निकाल लो, 1 छोटा इक्वेशन दिख रहा है, मैं 1 में पुट करता हूँ, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह x की वैल्यू रखता हूँ और इस इक्वेशन में y निकालता हूँ, तो x की जगह कितना रखना है 30, y कितना अभी निकल आएगा, दिस इज 60, सो y इज इक्वल टू 60 माइनस 30, 30 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 में से 30 चला गया, दिस इज अगेन 30, तो y भी 30 आ गया, और होना भी चाहिए, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तब तो दोनों जुड़ के 60 होंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, नंबर ऑफ काउस भी 30 हो गया, नंबर ऑफ पिजन भी 30 हो गया। अब आप अपना आंसर मैच कर लीजिए पीछे से, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर कहीं हमने मिस्टेक किया होगा। ओके चलिए यहाँ तक बन गया, इसको नोट करें और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन।